या टू बी, हिंदी में कहते हैं इसको सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है उसको हम देखेंगे आज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, ईज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ईज सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, एम आई होने पर, और आर जो है बहुवचन करता है प्लुरल सब्जेक्ट होने पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तीन हेल्पिंग वर्ब हो गई ईज, एम, आर। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वेयर। तो एक वचन कर्ता होने पर वाज यूज करेंगे, बहुवचन कर्ता होने पर वेयर यूज करेंगे। तो पांच हेल्पिंग वर्ब हो गए हमारे पास इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वाज, वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फिर विल या शॉल। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल या शॉल। शॉल का उपयोग आई और वी के साथ करते हैं, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट है उनके साथ में हम विल का उपयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज या हैव। तो हैज का उपयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर करेंगे और हैव का उपयोग हम प्लुरल सब्जेक्ट या बहुवचनकर्ता व आई व यू के साथ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अब हो गई इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शॉल, हैज, हैव। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस की हो जाएगी हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको कहते हैं हम हैड। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शॉल, हैज, हैव, हैड। अब उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस में दिखती नहीं है, लेकिन जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तब एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है हमको, डिड। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखती नहीं है, लेकिन जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तब हमको दो हेल्पिंग वर्ब मिलती है, डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं टेंसेस में वो हो गई हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज, वेयर, सिंपल फ्यूचर टेंस की विल, शॉल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज, हैव, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड, सिंपल पास्ट टेंस की डिड, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की डू या डज। अब हम हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही मॉडल्स को पढ़ते हैं, जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। तो यहां कैन से लेकर के आउट टू तक और भी मॉडल्स है, लेकिन हम इतने ही ले रहे हैं। तो कैन से लेकर के आउट टू तक के मॉडल्स होते हैं, और इज से लेकर के तो डज तक की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एक ही बार में हम हेल्पिंग वर्ब याद रख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शॉल, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। तो इनके यूजेस भी देख लिए हमने कि इनके यूजेस कौन कौन से टेंसेस में होते हैं और कैसे होते हैं। अब कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, वैसे विल का पास्ट टेंस वुड होता है, शॉल का पास्ट टेंस शुड होता है, मे का माइट, मस्ट और आउट टू। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में जो दी हुई है किसी भी सेंटेंस को अर्थ प्रदान करने के लिए ये यूज में लाई जाती है, कि जैसे वह जा रहा है, तो यहां पर हम वह के लिए लगा देंगे, यदि इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह के लिए आ जाएगा ही, फिर अब जाने के लिए आएगा गो, और रहा है तो हम लगाएंगे आईएनजी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही गोइंग, वह के लिए ही आ गया, और जा रहा के लिए आ गया गोइंग, और इस जो है के लिए हम यूज करेंगे इज। तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास ही इज गोइंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस को अर्थ प्रदान करती है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब होती है।